अगली खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां मां का उपचार कराने आई युवती को एक मनचले ने जबरन किडनैप कर ले जाने का प्रयास किया और जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने उसकी लात घूसों से मारपीट कर दी। घटना कंपू थाना क्षेत्र के कमला राजा अस्पताल की है। घटना का शिकार पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी उसका चेहरा तेजाब से जलाने की धमकी देकर भाग गया। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शिवपुरी में सतनवाड़ा निवासी 21 वर्षीय छात्रा ने थाने पहुंचकर शिकायत की है कि बुधवार को वह अपनी मां का उपचार कराने के लिए कमला राजा हॉस्पिटल आई थी। यहां पर उसे इंस्टाग्राम फ्रेंड राज यादव मिला, जो जबरन उसे खींचकर किडनैप कर ले जाने लगा। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने अपना नाम राज यादव बताया और उससे शादी की कहने लगा। साथ ही बताया कि वह इंस्टाग्राम पर अंशु यादव के नाम से उसका दोस्त है। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे लात घूसों से बेरहमी से पीटा, साथ ही धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके चेहरे पर तेजाब फेंक कर चेहरा बिगाड़ देगा। इसके बाद आरोपी छेड़छाड़ करने लगा, उसने शोर मचाया तो आरोपी भाग निकला। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। कंपू थाने के CSP विजय भदौरिया का कहना है कि थाने पर आकर एक युवती ने शिकायत कर बताया था कि वह बीते रोज अपनी मां का इलाज कराने कमला राजा अस्पताल आई थी। उसी दौरान उसका इंस्टाग्राम फ्रेंड आया और जबरन उसको अपने साथ ले जाने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की, उसने शोर मचाया तो वह भाग निकला। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, उसकी तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। ये कल एक थाना कंपू में एक मारपीट का और छेड़ा खाने का एक प्रकरण हुआ है। इसमें जो युवती के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है उसमें यह बताया गया कि उसको बहुत पिछले कई दिनों से एक युवक परेशान कर रहा था, फ़ोन पर उससे बातचीत अनर्गल बातचीत कर रहा था और जब वह अपने पिता का इलाज कराने के लिए स्थानीय जयरोग्य हॉस्पिटल में आई थी तब वो युवक द्वारा उसके साथ छेड़खाने का प्रयास किया गया और उसके विरोध करने में पर उसके साथ मारपीट की गई। सर, इस पर क्या कायमी की गई? इस पर कायमी की गई है 354 के तहत इसकी कायमी की गई है और आरोपी को तलाशा जा रहा है।